जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। बंधुओं पुनः निवेदन है, घर में रहिएगा, मतलब घर में रहिएगा। दूसरी आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये जो कोरोना वायरस को लेकर के बहुत सारा भ्रम अलग अलग तरीके से फैलाया जा रहा है, उसी में एक बहुत सारे मैसेज जो है सर्कुलेट हो रहे हैं, ऑडियो भी इसका सर्कुलेट हो रहा है कि जो है शिव पुराण से ये श्लोक लिया गया है जिसमें कोरोना नाम का वहां पर जिक्र है और उसका पाठ करने से कोरोना नाम की बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। बंधुओं ये जो पूरा पेज आपको दिखाई दे रहा है इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है शिव महापुराण की भविष्यवाणी। तो पहली बात, ये भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी वो होता है जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब जो है धर्म की हानि होगी तब तब जो है प्रभु उतार लेंगे दुष्टों का संहार करने के लिए। तो भविष्यवाणी ये होती है। यहाँ जो पूरे इन श्लोकों में प्रार्थना किया गया है भगवान शिव जी से, इसमें कुछ श्लोक हैं पर उसमें इन्होंने मिक्स कर दिया है, ये पूरे श्लोक भी शिव पुराण के नहीं है। ये जो श्लोक कल्पित किया गया है इसमें कुछ दावा ये आ रहा है कि काशी के रहने वाले वयोवृद्ध विद्वान देवदत्त जी ने भगवान से प्रार्थना किया है, तो ये हो सकता है और प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें भविष्यवाणी नहीं है, इसमें जो है स्तुति की गई है कोरोना से बचने के लिए। तो जो पहली लाइन है वो गलत हो गई, उसके नीचे लिखा हुआ है कोरोना रक्षा कवचम। उस समय इस बीमारी को कोरोना नाम से संबोधित नहीं किया गया था, इसलिए ये भी जो है यहाँ पर खंडित हो जाता है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, जो इसी का जो चतुर्थ श्लोक है उसमें लिखा हुआ है चीन देशे जनिम लब्ध्वा, मतलब चीन देश से ये जनित हुआ, जन्म हुआ। तो उस समय प्राचीन काल में चीन को चीन अथवा चाइना नहीं कहा जाता था। तो प्राचीन काल में चाइना अपने देश का प्रमुख अंग था। भारतवर्ष अपने जम्बू द्वीप में है और जम्बू द्वीप का जो 9 देश थे वो भारत के प्रमुख अंग थे, उसमें से 3 देश जो है चाइना में ही था, हरिवंश, भद्राष्ट्र, किम पुरुष, और तीनों को मिलाकर के प्राग ज्योतिष क्षेत्र से संबोधित किया जाता था प्राचीन काल में। विष्णु पुराण में भी आया बंधु इस देश का नाम काम पुरुष, शॉर्टकट में किम पुरुष कहा जाता था। यही नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी इस पूरे क्षेत्र को प्राग ज्योतिष नाम से संबोधित किया गया है। इन्हीं छोटे उदाहरण से निवारण हो जाता है ये जो रचना हुई है ये कल्पित हुई है। हालांकि रचना बहुत ही अच्छी है, शिव जी की प्रार्थना है, हम कर सकते हैं। स्तुति ही नहीं, जो भी चीज प्रमाणित नहीं है उसके परिणाम भी प्रमाणित रूप में मिलेगा, इसमें सदैव संदेह रहता है। हाँ प्रयत्न करेंगे तो शिव जी भले ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो बंधुओं इस तरह से अपनी चीजों को हम स्वयं मजाक उड़ा रहे हैं। यही नहीं, एक दूसरा मैसेज आपकी स्क्रीन पे जो भी दिखाई दे रहा है ये मैसेज हनुमान जी के मंत्र को लेकर के खूब वायरल हो रहा है, ये भी जो है गलत है, अशुद्ध है। क्योंकि जो है इस तरह के मंत्र अगर हम अपने मन से बनाते हैं तो उन मंत्रों का कोई मतलब नहीं होता है। आप एक मोटा मोटी समझ सकते हैं कि जो संविधान में लिखा जा चुका है उसमें जरा भी संशोधन करने के लिए पूरा पार्लियामेंट को बुलाना पड़ता है, पूरा उस पे सारी चीजें होती है, तो आम रूप से वो पारित होता है। लेकिन बंधुओं शास्त्रों के जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं अथवा जो दोहा चौपाइयां हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरित मानस और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, ये सब स्वयं में एक दिव्य ग्रंथ हैं। क्योंकि इसका प्रमाण जो है साक्षात जो है भगवान शिव जी ने दिया है, उस पे साइन कर दिया है, वहां भी हम अपना नाम या किसी का नाम जोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए किसी पूजा के पहले संकल्प की विधि आती है कि संकल्प में हमारी जो कामना है वो रखा जाता है। जैसे आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, जाप तो ब्राह्मण करता है पर उसका लाभ किसको मिलता है, यजमान को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वो यजमान के लिए वो कार्य कर रहा है। जैसे हम ट्रेन में अथवा प्लेन में बैठते हैं तो ड्राइवर एक रहता है, वो अपना चलाता है और बाकी हम लोग सवार रहकर निश्चिंत होकर बैठते हैं और अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जब हम संकल्प लेते हैं उस संकल्प से टिकट का निर्माण होता है कि कहाँ जाने के लिए, मतलब किस कार्य के लिए पूजा की जा रही है। पूजा वही होती है पर अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार से होती है। इसलिए बंधुओं
इन अफवाहों से बचना चाहिए और स्वयं इन चीजों को आगे नहीं फैलाना चाहिए, इससे अपना उपहास भी होता है और बिना मतलब का हमारे समय का दुरुपयोग होता है और मंत्रों का भी ह्रास होता है, उनका अपमान होता है। कुछ लोग अज्ञानतावश करते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। यही नहीं, अपने घर के दरवाजे में, अपने मोबाइल में भी रिंगटोन किसी मंत्र को जो है नहीं लगाना चाहिए। वहां रिंगटोन आप भगवान का संकीर्तन लगा सकते हैं, भजन लगा सकते हैं, पर जो है मंत्र कभी मत लगाइए। मान लिया आप बाथरूम गए हैं और उसी समय फोन आ गया, आप बाथरूम कर रहे हैं और अभी तो कई लोग जय सियाराम बाथरूम करते भी बात करते रहते हैं, कभी भी एक नंबर जाते समय, दो नंबर जाते समय पूरा मौन रहना चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगा कि इस पर कोई नहीं बोलता है, कम से कम हमें शास्त्रीय पक्ष रखना चाहिए। और बंधुष्यु महापुराण ये 12 संहिता में आता है, उसमें इस तरह का कहीं कोई वो नहीं है। हाँ, वो मंत्र उसमें से कुछ मंत्र अवश्य हैं, पर उनमें और मंत्र जोड़ दिया गया है जिसके फल का कोई मतलब नहीं। जैसे कोई नकली पासवर्ड आपको बता दे अथवा नकली नंबर बता दे, आप मिलाते रहो अथवा लॉक खोलते रहो, नहीं खुलेगा। इसलिए बंधु कल्पित मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे आप भी कोई मंत्र बना लें, हम भी मंत्र बना लें, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। जैसे हम भी अपने मन से कोई संविधान बना लें, आप भी बना लो, तो उसका कोई मान्य नहीं है। ऐसे कल्पित मंत्रों का कहीं कोई मान्य नहीं है। हमें जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन में जो भी संकट है हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी सब दूर करने वाले हैं। जिन पर आपकी भरोसा है, जिनको मानते हैं, वही सारा सुख आपको दे देंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अपने इष्ट देव पर भरोसा रखें और माँ तो स्वयं जो है इतनी दिव्य स्वरूपा है, आप दुनिया भी मानेगा। बंधु, जिन जिन अपने हिंदू भाइयों को भी भरोसा नहीं था अथवा है अपने शास्त्रों पर, भगवान सद्बुद्धि ने संभवतः उनको भी भरोसा हो जाएगा, क्योंकि जब रक्त दंतिका चरित्र सुनते थे तो उनके मन में संदेह होता था कि एक रक्त का बूंद गिरा और एक दैत्य कैसे पैदा हो गया। ये हम आप लोग स्वयं देख सकते, एक नहीं हजारों दैत्य पैदा हो जाते हैं। ऐसे समय माँ का रक्त दंतिका स्वरूप में अवतरण हुआ था। माँ जैसे उस समय पूरी पृथ्वी की रक्षा की थी, वैसे पुनः रक्षा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय श्री राम, फिर मिलूंगा नई जानकारी के साथ में। ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, ओम राम मन बाबू ले, ओम राम मन बाबू ले,